नमस्कार, स्वागत है आपका रोशन रोमिंग के एंशेंट इंडिया प्राचीन भारत के एपिसोड में। आज हमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास, वो जगह जो अपनी शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविख्यात रहा और उसे वहीं स्थान मिला, वहीं सम्मान मिला है जो नालंदा विश्वविद्यालय को मिला, जो अपने समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय को मिला, वहीं स्थान मिला इसे। तो आइए जानते हैं जगह के बारे में विस्तार से। जो जगह आप देख रहे हैं ये वही जगह है जिसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय माना गया, और ये मुख्यतः जो स्तूप देख रहे हैं ये मुख्य स्तूप माना जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। स्तूप का शाब्दिक अर्थ बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि देख रहे हैं क्योंकि इसका निर्माण धर्मपाल ने, जो पाल वंश के शासक रहे थे, उन्होंने करवाया था। तकरीबन ये 8वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। उन्होंने इसलिए बनवाया गया था ताकि नालंदा विश्वविद्यालय का जो सम्मान था, जो गरिमा था, वो अपनी गरिमा में कम होते दिख रहा था, ताकि उसी को सम्मान देने के लिए और मगध में या पाल वंश ने अपने शासक में क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को ऊंचाई देने के अथक प्रयास किया गया, और उसी स्तर प्रयास को देने के लिए इस विद्यालय का निर्माण किया गया था। जो जगह देख रहे हैं ये मुख्य स्तूप है, और इसमें मुख्यतः चार बौद्ध स्तूप देखे रहे होंगे। मुख्यतः ये जो स्थान देख रहे हैं ये थोड़ा खंडहर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि इसका कारण वही रहा जो नालंदा विश्वविद्यालय का रहा, जिसका एक विध्वंसक कदम उठाया गया विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा, इसे ध्वस्त कर दिया गया। जो बौद्ध की प्रतिमाएं थी उसे तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया, और इसके चार केंद्र में आते हैं, चार जो द्वार हैं वो चार मुख्यतः जो आप देख रहे होंगे। प्रथम द्वार ये है, क्योंकि इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार देख रहे होंगे ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, और यहीं पर एक प्रथम बौद्ध की स्तूप मूर्ति यहाँ करती थी, और ये चारों दिशाओं में कहिए तो चार अलग दिशाओं में उनकी मूर्तियों को स्थापित किया गया था। और इसका निर्माण तकरीबन 800 शताब्दी में किया गया था धर्मपाल द्वारा, जो पाल वंश के शासक रहे थे और जिनकी राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। उन्होंने अपने शासनकाल में इसका निर्माण ही करवाया था ताकि फिर से इस विद्यालय को, खासकर मगध के क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविख्यात बनाया जाए, और यही उसका निर्माण है। और इसका प्रमाण है कि अपने समय में वो अपना स्थान प्राप्त कर चुका था, जो स्थान नालंदा विश्वविद्यालय ने किया और तक्षशिला विश्वविद्यालय ने किया। एक औदन्तपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था, लगभग चार विश्वविद्यालय ऐसे थे जिसका निर्माण किया गया था। मुख्यतः लोग नालंदा विश्वविद्यालय को जानते हैं, विक्रमशिला को जानते हैं, लेकिन औदन्तपुरी विश्वविद्यालय को बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। वो भी एक स्थान है जो कि बिहार से नालंदा में ही है, और वर्तमान में जो जगह देख रहे हैं ये भागलपुर से पहलगाँव में है, जो भागलपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आपको आना पड़ेगा और इस जगह को देख सकते हैं। इसके निर्माण के जो ईंटें हैं दो तरह की बनाई गई हैं, जो देख रहे होंगे कि पतली ईंटें होंगी जो तकरीबन 2 से 3 इंच की होगी, और ये उससे ज़्यादा का है। समय के साथ ये भी खंडहर में बदलता जा रहा है, जो कि देख रहे होंगे आप वही चीज़ें हो रही है। हालांकि इसका संरक्षण किया जा रहा है अपने स्तर से, सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही होगी। जो आप देख रहे होंगे बाग बगीचे, इसका सौंदर्यकरण किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन है। और ये मुख्य स्तूप का दूसरा द्वार है, जहाँ पे बौद्ध प्रतिमाएं हुआ करती थी, और जो देख रहे हैं ये शिलाएं हुआ करती थी। समय का शिला हुई खंडन में बदल गए, टूट गए, और जो देख रहे हैं मात्र स्तूप मात्र सीमित रह गया है। जो दिखाया गया वो पहला द्वार था, जो मुख्य द्वार था, या दूसरा है, और ये तीसरा द्वार दिखाने जा रहा हूँ। जो चारों दिशाओं में है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर, इसके बौद्ध प्रतिमाएं थी, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु आके यहाँ पे ध्यान किया करते थे, क्योंकि जो धर्मपाल थे वो बौद्ध धर्म के शासक रहे, अनुयायी थे भी रहे। बहुत सारे शासक आए जो मगध में रहे, अजातशत्रु रहे, जो हर्यक वंश के रहे, जो मौर्य वंश के रहे, और जो शासक आए उन्होंने मुख्यतः बौद्ध धर्म को ही अपनाया, उनके अनुयायी बने रहे। अपने समय में उन्होंने निर्माण कार्य किया, बौद्ध धर्म संबंधित किया गया। और ये जो जगह देख रहे हैं ये दो जगह अपने शिक्षा के केंद्र में और बौद्ध के क्षेत्र में इन्होंने विश्वविख्यात स्थान प्राप्त किया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने, उसी का प्रमाण है ये। और ये तीसरा है जो देख रहे होंगे, ये जगह बहुत ही अच्छा है। निवेदन है कि बस आइए, यहाँ पर शहर से थोड़ा दूरी पर है,
लेकिन आप आना चाहे तो बस आइए, देख रहे होंगे जगह बहुत बेहतरीन है। इसके तीन द्वार देख चुके हैं और ये चौथा और आखिरी होगा। इस स्थान का निवास तकरीबन दो से तीन भागों अलग अलग भागों में किया गया था। एक जहाँ पे शिक्षा नुमा करते थे, दूसरा जगह जहाँ पे बौद्ध भिक्षु के रहने के लिए व्यवस्था थी, जो बौद्ध के अनुयायी रहे उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई थी, और तीसरा जो मुख्य स्तूप है जो देखते होंगे कई सारे पिक्चरों में विक्रमशिला के, वो यहीं रहा। लेकिन जो आप देख रहे हैं खंडहर बन चुका है, मात्र अवशेष मात्र है। तो चार थी यार आखिरी द्वार था स्तूप का या बौद्ध प्रतिमा का, इसे बख्तियार खिलजी ने तकरीबन 1203 शताब्दी में इसे ध्वस्त कर दिया गया था। 1194 ईस्वी में उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, और यहाँ आते आते भागलपुर आते आते 1203 ईस्वी में इसका भी वही हुआ जो नालंदा का हुआ, जो शिक्षा का केंद्र रहा उसके साथ भी यही हुआ। जो बताया था कि जो प्रथम मुख्य द्वार था वो यही था जो यहाँ से शुरू किया था, और तीसरा जो देख रहे होंगे मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो हमारे सामने जो आप देख रहे होंगे इसका प्रवेश द्वार वही है। और ये लगभग तकरीबन 100 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है ये स्थान। बहुत जगह इसकी खुदाई चल रही है और भी निर्माण जो थे पिछले उनके अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, तो उस पर काम चल रहा है। ASI इस पर काम कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है ताकि जो उसकी जो भी चीज़ें थी वस्तुएं उसे वापस किया जाए, वापस लाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। उसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा। और इसकी ऊंचाई देख रहे हैं स्तूप की मुख्यतः ऊंचाई तकरीबन 15 से 20 मीटर की ऊंचाई पर है। ये जो आपने देखा था वो मुख्य तल था, और उसके नीचे जहाँ सीधे से उतरिएगा तो ये एक तल आता है जहाँ पे विद्यार्थियों के बैठने के लिए, भिक्षुओं के बैठने के लिए स्थान बनाया गया था, ताकि वहाँ से जो स्तूप को देख सके और ध्यान कर सके, उसके लिए मुख्यतः ये स्थान बनाया गया था। यहाँ पर अपने अपने समय का यहाँ पर चित्रण किया गया है अलग अलग भगवान का, जो अनुयायी रहे, जो कि देख रहे हैं समय के साथ ये बदलता जा रहा है, लेकिन कुछ अवशेष मात्र रह गए हैं जो कि देख रहे होंगे आप। कुछ हाथी पे है, कुछ धनुष पे लिए हुए, कुछ तलवार करते हुए, एक वानर को दर्शाया गया है, अलग अलग कलाकृतियाँ दी गई बताई गई थी अलग पक्षियों के साथ, वो सब भी है यहाँ पर जो देख रहे होंगे आप। तकरीबन 800 से 800 साल पुराना है ये स्थान। हालांकि इसके बहुत सारे हिस्से हैं जो टूट चुके हैं, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे एक तरफ ये जो मूर्तियाँ ये है, और एक तरफ ये जो पूरा प्लेन हो चुका है टूट चुका है, इसका अर्थ ये निकलता है कहीं ना कहीं से जोड़ा गया होगा ताकि समय के साथ ये ध्वस्त होकर अलग हो गया और ये मात्र अवशेष मात्र रह गए हैं, बच गए हैं। और सबसे मुख्य बात बताना चाहूँगा कि स्थान का जो स्रोत प्राप्त होता है वो तिब्बती बौद्ध भिक्षु तारानाथ थे, उनकी किताबों द्वारा इस स्थान का वर्णन मिलता है। उसी किताब के अनुसार इस स्थान की खुदाई की गई और उनसे पता चला कि यहाँ पर एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, यो जो कि तिब्बती थे, क्योंकि उनके समय में जब मुक्ता जो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे वो भारत ज़्यादा वो तिब्बत में रह गए, उन्हें वहाँ पर रहे, और उनकी किताब से ही इसके बारे में जगह का वर्णन मिलता है कि भागलपुर की जगह पर वो स्थान था, वो जगह थी जहाँ की इसका जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर ASI ने इसे खनन किया गया और यहाँ से अवशेष मिले जो प्रमाणित करते हैं कि उनके जो बताए गए थे वह तो साक्ष्य प्रमाणित किए जाते हैं। अभी जो देख रहे हैं ये 200-300 में है, तो इसका दूसरा हिस्सा जानते हैं। अगर इस जगह के दूसरे हिस्से की बात की जाए तो दूसरा
जो हिस्सा माना जाता है वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए था, उनके रहने के लिए था, जिसमें तकरीबन 208 कक्ष हुआ करते थे जो कि चार बावन भागों में बांटे हुए थे, यानी कि प्रत्येक हिस्से में एक कॉलम में कहिए तो 52 कक्ष का व्यवस्था की गई थी। जो जगह देख रहे होंगे ये कक्ष को दर्शाते हैं, और ये मुख्यतः उनका प्रवेश द्वार रहा होगा जो कि देख रहे हैं ये, और इसी में से ये जो चौखाकार देख रहे हैं उनका एक कमरा हुआ करता था, और ऐसे ऐसे कमरे एक कॉलम में कहीं तो 52 कमरे हुआ करते थे, और प्रत्येक कॉलम में एक स्थान हुआ करता था जो गोलमुखी था, जो उनके लिए एकत्र होने के लिए, उनके ध्यान लगाने के लिए स्थान की व्यवस्था की गई थी। और ऐसे ऐसे तकरीबन इस जगह में जो मैंने बताया था तकरीबन 100 एकड़ ज़मीन में भूभाग में फैला हुआ है ये, तो ऐसे ऐसे लगभग 208 कमरे हुआ करते थे जिसमें लगभग 300 से 400 भिक्षुओं की रहने की व्यवस्था की गई थी। उन्हीं में से ये एक स्थान है जो मतलब जो खुदाई में जो प्राप्त स्थान हुआ है उसमें से एक हिस्सा यहाँ पर मिलता है, जिसमें तकरीबन देखा जाए तो एक हिस्से में अभी जो प्राप्त हुआ है एक में 5 से 6 मनाए जाते हैं, और एक उसका देख रहे हैं गोला का ये ध्यान करने के लिए किया गया होगा बौद्ध भिक्षुओं के लिए, उनके आने के लिए या उन्हें वार्तालाप करने के लिए या मीटिंग रखने के लिए किया गया होगा। और ऐसे ऐसे आगे और भी होंगे जो देख रहे होंगे, जो सामने देख रहे हैं आगे जाना संभव नहीं है, ऐसे स्थानों का प्रावधान किया गया था जो उनके रहने के लिए, खाने के लिए और ध्यान करने के लिए। जो देख रहे होंगे यहाँ से जो मुख्य स्तूप जो दिख रहा होगा वो उनका मुख्य स्तूप था, जो मैंने अभी दिखाया था वो मुख्य स्तूप था जहाँ पे लोग आया करते थे, बौद्ध भिक्षु हो चाहे विद्यार्थी हो जो पढ़ने के लिए आया करते थे, और जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाया करती थी वहाँ की जो विद्यार्थी हुआ करते थे, जब उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वो जो वहाँ के धर्मपाल थे खुद उन्हें दीक्षांत समारोह में उन्हें सम्मानित किया करते थे, इसलिए शिक्षा का केंद्र विख्यात रहा क्योंकि वहाँ के जो राजा वो करते थे स्वयं इस जगह को इतना महत्व देते थे, इनका व्यक्तिगत तौर पर स्थान को लेकर उनकी दिलचस्पी रही, इनका इंटरेस्ट बना रहा ताकि और शिक्षा केंद्र को बढ़ावा दे, और ये प्रमाणित हुआ और सिद्ध हुआ कि विश्व विख्यात बना अपने शासनकाल में लगभग 400 दशक तक, यानी कि कहा जाए तो अगर 800 से लास्ट 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया और 12वीं शताब्दी के अंत तक माफ़ी चाहूँगा कि 1204 ईस्वी में इसका ध्वस्त कर दिया गया बख्तियार खिलजी द्वारा, लेकिन उससे पहले तक यह स्थान बना रहा, अपने स्थान और गरिमा को बनाए रखा, और इसका प्रमाणित देख रहे होंगे जो बताया था कि इसमें गोलाकार है और इसके चारों ओर जो द्वार हुआ करते थे जिससे मुख्य द्वार आने के लिए ये रहा करता था। ये देखिए ये गोलाकार स्थित है जहाँ पर आने के लिए प्रावधान थे, और इसके चारों ओर देख रहे होंगे जो कमरे बने हुए थे आने के लिए था, ये द्वार था यहाँ से आने के लिए, यहाँ बैठने के लिए ध्यान मगन करने के लिए स्थान हुआ करता था उनके लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनका रहने का प्रावधान था। और जो आखिरी हिस्सा है, तीसरा हिस्सा, आइए जानते हैं उस जगह के बारे में। और इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सारे महत्वपूर्ण में से एक माना जाता है। जो जगह देख रहे होंगे जो गोलाकार जो स्तूप टाइप के बने हुए हैं वो मुख्यतः जो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे करे उन्हें बैठने के लिए ध्यान मनाने के लिए रहा करता था, जो कि देख रहे होंगे जो चारों ओर रहा करते थे वो रहा करते थे, बीच में उनका स्तूप रहा करता था जो कि बौद्ध स्तूप कहा जाए। जो मुख्य स्तूप आप देख रहे होंगे वो होगा, और भी स्तूप जिस स्तूप के सामने वो ध्यान मग्न किया करते थे। ये तकरीबन मैंने पहले बताया था कि 400 से 800 भिक्षुओं की रहने की व्यवस्था थी यहाँ पर, जो अलग अलग स्थान पर यहाँ पर ध्यान किया करते थे। और तीसरा इसमें एक और भी था जो आपको है इससे पहले नहीं मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो था धर्मपाल ने एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था जो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित था, और उसमें जो मुख्य शिक्षक माने जाते हैं इस जगह के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के वो आतिश दीपांकर कहे जाते हैं, जो कि मुख्य शिक्षक रहे, और उन्हें वही सम्मान वही स्थान मिला जो तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को मिला, नालंदा विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट का ये शिलभद्र उन्हें मिला, और वही स्थान वही सम्मान मिला उन्हें इस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो आतिश दीपांकर रहे उन्हें वो स्थान मिला था। क्योंकि उस उनके समय जो प्रचलन था पढ़ने का वो तंत्र विद्या प्रचलन भी थी, और उस विद्या के प्रख्यात रहे वो अपने समय में, और उसी समय ये जो तंत्र विद्या रही भारत में अपने प्रचंड चरमोत्कर्ष पर रहा उनके समय शासनकाल में धर्मपाल के शासनकाल में ही, और उनके सबसे प्रिय शिक्षक माने जाने लगे आतिश दीपांकर। और यही था सबसे आखिरी हिस्सा कह लीजिए यहाँ का, क्योंकि जब वहाँ इंटर करेंगे तो जो पहला आपको दिखेगा वो मंदिर ही दिखता है। मंदिर तो बस अवशेष मात्र रह गए हैं, खंडहर बन चुके हैं, तिब्बती मंदिर है लेकिन इसमें
हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के मंदिर हुआ करते थे। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ तिब्बती मंदिर, लेकिन जो ज्ञानकार बताते हैं कि यहाँ दोनों हुआ करता था। देख रहे होंगे इसका आखिरी हिस्सा कहिए, अगर आप इंटर करते हैं तो पहला हिस्सा आपको यहीं सामने यहीं दिखेगा, यही चीज। और जो प्रतिमाएं थी यहाँ ध्वस्त कर दी गई, तोड़ दिया गया। जो देख रहे होंगे ये पिलर था जिस पर मंदिर टिका हुआ था, लेकिन आक्रमण की वजह से ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। अब मात्र अवशेष मात्र और खंडर तक ही सीमित रह गया है ये, जो आप देख रहे होंगे जिस कारण जो काला पड़ गया था, जब जलाया गया था तभी ये हो गया, और समय समय से राख निकलते रहते होंगे टूट के खंडित होके। इतना ही है। सब वही स्थान थे जहाँ पर वो पूजा पाठ करते थे, हिंदू धर्म के अनुयायी और बौद्ध धर्म के लिए ध्यान के स्थान बना रहा ये, अपने स्थान पर रहा। तो चलिए धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।